चास पुलिस ने चोरी के सामान के साथ एक चोर को धर दबोचा है, वहीं सरगना समेत दो चोर अभी भी फरार है। चास डीएसपी पुरुषोत्तम कुमार सिंह ने बताया कि चास के सोलागिडी के रहने वाले भजन गोसाल 23 फरवरी को एक समारोह में भाग लेने झालदा गए थे। उनके घर पर ताला लगा हुआ था, घर खाली था। मौके का फायदा उठाकर चोर ने घर की खिड़की तोड़ अंदर घुसे और लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। चोरों को पकड़ने के लिए इंस्पेक्टर ने टीम का गठन किया। टीम के हाथ सुराग लगे और छापेमारी में दबोचा गया बिट्टू कुमार। बंडीटांड चुनाभट्टा निवासी बिट्टू ने चोरी में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर चोरी किए गए सामानों को बरामद किया। बरामद सामानों में सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर, टीवी, गैस सिलेंडर, मोबाइल फोन समेत कई सामान शामिल हैं। पुलिस अन्य दो अपराधी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। चोरी की घटना बंद घर में हुई थी, जिसका उद्भेदन जांच पुलिस के द्वारा किया गया है और उसमें एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही जो सामान चोरी का था उसमें अधिकांश सामान बरामद कर लिया गया है। इसमें इसके अन्य दो साथी थे जिनकी पहचान पुलिस कर रही है और उन पर भी आगे की कार्रवाई की। इसमें एक LED TV है, मोबाइल है, फायल है, कांसे के बर्तन है, जो जहाँ CCTV लगा था वहाँ का DVR भी वो लोग चोरी करके ले आए थे, वो भी है, और अन्य कुछ सामान है जो संभवतः इसके साथियों के पास है, वो भी हम लोग जल्दी ही रिकवर करेंगे।